अस्सलाम वालेकुम, डेली पाकिस्तान के टेक रिव्यूज़ में खुश आमदीद। मेरा नाम सरफराज है और ये है ओप्पो का A54, जिसकी मैं आपके साथ आज अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इम्प्रेशन फर्स्ट लुक वीडियो शेयर करूंगा। ये डिवाइस ओप्पो ने स्पेशली ऑफलाइन मार्केट के लिए डिज़ाइन किया और इसके कैमराज और इसके डिज़ाइन को काफ़ी फोकस किया है। जो हमें इसकी प्राइस मिलती है वो है 31,999 रुपीज़, जबकि जो पाकिस्तानी वेरिएंट है वो है 4GB 128GB। मैं आपके साथ इसकी सारी डिटेल शेयर करूंगा, आपके क्या व्यूज़ हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। ओप्पो ने हमेशा की तरह ओप्पो A54 के डिज़ाइन को काफ़ी फोकस किया है। रियर साइड पर ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, फ्लैश लाइट मिल रही है, बॉटम में ओप्पो की ब्रांडिंग है, स्टेरी ब्लू कलर है। हैंडसेट को लेफ्ट राइट अप डाउन करने से मल्टी कलर्स मिल रहे हैं। बैक पॉलीकार्बोनेट का स्टफ है, दिखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। फ्रेंड्स, रियली आई लव इट। फ्रेम मैट फिनिशिंग में है, फिंगरप्रिंट सेंसर साइड माउंटेड है, यही ऑन ऑफ की का भी काम करेगा। यूज करने पर मुझे काफी रिस्पॉन्सिव लगा। सेंसर बटन बॉडी के अंदर फिट किया गया है, जो कि दिखने में अच्छा लग रहा है। सिम सिचुएशन में दो सिम्स और डेडिकेटेड कार्ड की स्लॉट मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं इसके डिस्प्ले की, तो 6.5 इंचेस का स्क्रीन साइज रखा गया है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 82.6% है। 720x1600 की रेजोल्यूशन है, जबकि PPI 270 है। 60Hz का रिफ्रेश रेट और ब्राइटनेस भी बजट फोन के हिसाब से मुनासिब है। लेफ्ट साइड पर पंच होल कटआउट है, मिड रेंज का फोन है, बेजल्स और चिन तो दिखने में जरूर मिलेगी। IPS LCD पैनल है, 32,000 की प्राइस ब्रैकेट को सूट करता है। एप्लीकेशंस में टिकटॉक दराज के अलावा कोई गैर जरूरी ऐप भी नहीं है, जो कि अच्छी बात है। परफॉर्मेंस की बात करें तो MediaTek Helio P35 का चिपसेट है, एंड्रॉइड 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है। इसके अलावा कलर प्रिंटिंग सिस्टम 7.2 मिल जाता है, इस पर ओप्पो ने काफी काम किया है। लुक को काफी बेहतर किया गया है, डिस्प्ले की कलर टोन एक ही दिखने को मिलेगी। बैक कैमरा की बात करें तो 2.2 अपर्चर के साथ 13 मेगापिक्सल का मेन लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर बताया जा रहा है। यहाँ इससे ली गई कुछ पिक्चर्स मैं शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको इसके कैमरा की स्ट्रेंथ का अंदाजा हो जाएगा। कैमरा ऐप में स्लोमो की ऑप्शन मौजूद है। रियर साइड कैमरा सेटअप से आप 1080p 30fps से वीडियो बना सकते हैं। फ्रंट साइड पर 13 मेगापिक्सल का शूटर मिलता है, इससे भी आप 1080p पर वीडियो बना सकते हैं। अब बात करते हैं इस फोन के एक अहम टेक अवे फीचर्स की, यानी इसकी बैटरी की। तो यहाँ आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है विद 18W फास्ट चार्जिंग। यही नहीं, पावर सेव का मोड का फीचर भी मिलता है। आप किसी ऐसी जगह है जहाँ ना तो इलेक्ट्रिसिटी है और ना ही आपके पास पावर बैंक, तो आप इस फीचर को ऑन करके एक लंबे अरसे तक फोन को अलाइव रख सकते हैं। मेरे ख्याल से इस प्राइस रेंज में ये भी एक काबिले तारीफ फीचर है। तो फ्रेंड्स, अगर इस डिवाइस के बारे में मैं आपके साथ फाइनल अपने ओपिनियन शेयर करूं, तो अगर मार्केट में आप 30,000 की प्राइस ब्रैकेट में कोई ऐसी डिवाइस ढूंढ रहे हैं जिसका डिज़ाइन अच्छा हो, कैमरा नॉर्मल हो, जबकि फास्ट चार्जिंग की भी फैसिलिटी मौजूद हो, तो ये डिवाइस आपके लिए एक अच्छी ऑप्शन होने वाली है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, देखते रहें डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।